अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक जद हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिल सकें। अदनान इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिलसिला नसब बयान फरमाते थे। आप रसूलुल्लाह की 21वीं पुश्त पर जद्द अमजद हैं। हज़रत अदनान 21वीं पुश्त पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और आपकी कुनियत अबू महद थी। आपके वालिद माजिद का नाम उद था। उल्मा ने लिखा है कि आपका नाम अदनान अदन के मुश्तक है, जिसके मानी कायम और बाकी रहना है, क्योंकि आपको जिनो इंस के शर से महफूज रखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर थे। रसूलुल्लाह का अदनान तक सिलसिला नसब यूं है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किला बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहार बिन मालिक बिन नजर अल कुरैश बिन किनाना बिन खुजेमा बिन मुतरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन मात बिन अदनान अलैहिस्सलाम। जिनों इंस हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की ताक में रहते थे, क्योंकि वो निशानियों से पहचाने जाते थे कि वो मर्द साले हैं जिनकी नस्ल से नबी आखिर जमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तमाम दुश्मनों के शर से महफूज रखा। एक मर्तबा हज़रत अदनान तन्हा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अहले फारिस के इसी नौजवान ने आपका पीछा किया और आपको दो पहाड़ों के दर्रा में घेर लिया। आप इन जवानों का तन्हा मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि खुद भी और घोड़ा भी ज़ख्मी होकर गिर गया। लिहाजा आप घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने के लिए भागे। दुश्मनों ने आपका ताकुब किया। हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम ने मायूस होकर रब्बल आलमीन की तरफ रुजू किया। इसी वक्त यहाँ एक हाथ जाहिर हुआ, जिसने आपको उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचा दिया। इसके बाद एक चीख सुनाई दी, जिससे तमाम दुश्मन हलाक हो गए। बख्ती नसर का अरब पर हमला करने की वजह यह थी कि अहले अरब ने अतराफ़ यमन और अदन में अपने नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने अहले अरब और बनी इसराइल पर सरकशी और बगावत की वजह से बख्त नसर को मुसल्लत किया। बख्त नसर के हमले के मुतालिक मुतअद्दिद रवायात बयान की गई हैं। पहली रवायत में मिलता है कि जब बख्त नसर ने अरब पर हमला करने का इरादा किया तो हज़रत अर्मिया और बरखिया अलैहिस्सलाम ने इसको बता दिया था कि हज़रत अदनान पर हमला ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं, अलबत्त दीगर कबाइल पर हमला कर सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत अदनान की बख्त नसर से इसलिए हिफाजत फरमाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर आपकी पुश्त में बतौर अमानत मौजूद था। दूसरी रवायत ही मिलती है कि जब बख्त नसर ने अहले अरब के दीगर कबाइल पर हमला किया तो सख्त लड़ाई हुई, जिसमें अरबों को शिकस्त हुई। इसके बाद बख्त नसर ने इजाज का रुख किया और ज़ाते अर्क के मकाम पर हज़रत अदनान के लश्कर के साथ शदीद लड़ाई हुई। बाद अज़ां हज़रत अदनान का लश्कर शिकस्त खाकर किला बंद हो गया। इसके बाद दीगर कबाइल अरब भी आपके लश्कर के साथ आ मिले। फिरकैन ने खंदकें खोल ली और कुछ अरसा लड़ाई चलती रही। आखिरकार बख्त नसर मुहासरा उठाकर वापस चला गया। बख्त नसर के वापस चले जाने के बाद हज़रत अदनान अपनी औलाद को साथ लेकर यमन चले गए। यमन में ही आपने वफात पाई। आपकी क़यादत में सब अरब मुत्तहिद थे, लेकिन आपकी वफात के बाद सब मुंतशिर हो गए, जिससे अरब वीरान हो गया। दूसरी तरफ बख्त नसर भी दुनिया से रुखसत हो गया। यहूदियों की किताबें सलातीन, अज़रा, यमिया, अस्तरा, आर्मिया और किताब दानियाल वगैरह के मुताबिक बख्त नसर का इंतकाल 516 में हुआ। हज़रत अदनान का सन वफात भी इसके करीब करीब है। हज़रत अदनान एक खूबसूरत शख्स थे। आपकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाया था। आप अहले अरब के सरदार थे। बासा और यसरब के कबाइल के अलावा अरब के बदून कबाइल आपके मातहत थे।
हज़रत अदनान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया। हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में मुख्तलिफ मौरखीन की मुख्तलिफ अकवाल मौजूद हैं। बास के मुताबिक आपके बेटों की तादाद 2, बास के मुताबिक 4, बास के मुताबिक 5 और बास के मुताबिक 10 थी। कुतब तारीख में हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम के 6 बेटों के नाम मिलते हैं जिनमें महद, अक, दीद, अली, अदीन और अबी शामिल हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से बहुत से अरब कबाइल वजूद में आए जिनमें काबिले ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला कबीला कुरैश शामिल है। इसके अलावा कबीला हुदैल, कबीला सलीम, कबीला सकीफ़ और कबीला अंजा भी हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम की औलाद से बनने वाले कबाइल हैं।